दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली अप डाउन हो रही है, आप वॉल्यूम को अप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, अपने आप वॉल्यूम कम हो जाती है। यहाँ तक कि इस वीडियो को देखने के लिए भी आपको वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ रहा है। देख रहे हो ना, ऐसे कौन कौन इस वीडियो का ऐसे देख रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे Redmi Note 9 मोबाइल है, इस मोबाइल में भी मैंने ये प्रॉब्लम फेस की थी। तो मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे 6 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिनको अगर आप अपने मोबाइल में कर लेते हो तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली वॉल्यूम अप डाउन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को अगर आपने स्किप किया, हो सकता है जिस सेटिंग से आपके मोबाइल में ये सेटिंग ठीक होनी चाहिए थी, आपने वही सेटिंग स्किप कर दी हो, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे अबाउट फोन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको MIUI वर्जन पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चेक कर लेना कहीं आपके मोबाइल का अपडेट तो नहीं आए हो। अगर अपडेट आए हुए हैं तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है, इससे भी बहुत सारे बंदों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस सेटिंग को करने के लिए आप मोबाइल की सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप मैनेज ऐप्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे लॉन्चर। अभी आपको यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सिस्टम लॉन्चर का क्लियर डाटा कर देना है। तो इस सेटिंग को करने से भी बहुत सारे बंदों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मेरे केस में कौन सी ट्रिक से ये प्रॉब्लम ठीक हुई थी, वो सेटिंग भी अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। ये आपको मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ए रिंग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सबसे पहले मोनो ऑडियो की सेटिंग को अनेबल करना है और यहाँ पे ऑडियो बैलेंस की सेटिंग को आपको यहाँ पे फुल कर देना है। तो अब जो सेटिंग में आपको बताने वाला, इसी सेटिंग को करने से मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी। आपको एक काम करना है, आप कैप ले लेनी है। इसके बाद आपको वॉल्यूम बटन पे उस कैप को सीधा रखना है और फुल पावर के साथ प्रेस करना है। एक बार प्रेस करने पर उसे आपको 5-6 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। इसके बाद आपको उसे छोड़ देना है। दोबारा से आपको यही प्रोसेस 3 से 4 बार कर लेना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम करना, तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम डाउन बटन को 5 से 6 सेकंड के लिए फुल पावर के साथ प्रेस करके रखना है। इसके बाद आप यही प्रोसेस वॉल्यूम अप बटन पे करेंगे। फुल पावर के साथ आपको वॉल्यूम अप बटन भी प्रेस करके रखना है। कई बार क्या होता है कि वॉल्यूम बटन से स्क्रीनशॉट लेते समय वॉल्यूम बटन से वॉल्यूम अप डाउन करने से वो बटन अंदर की तरफ ही रह जाता है, जिस वजह से वॉल्यूम ऑटोमेटिकली अप डाउन होती रहती है। इस प्रोसेस से वो बटन बार की तरफ आ जाएगा तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मेरे मोबाइल में यही दिक्कत थी तो मैंने ये किया था तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी। वो जितनी भी मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी कौन सी सेटिंग से प्रॉब्लम सोल्व हुई है। तो इस सेटिंग को करने के लिए आपको एयरफोन की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आप इसे अपने मोबाइल में लगा लीजिए। इसके बाद आपको इसे गोल गोल घुमाना होगा। इसके बाद आपको एकदम से इसे बाहर निकाल लेना है। तो आपको ये प्रोसेस 4 से 5 बार कर लेना है। जैसे आप इस प्रोसेस को 4 से 5 बार करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपकी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली अप डाउन नहीं होगी, ठीक है। आपको अपने मोबाइल को एक बार रिसेट कर लेना है, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। तो आप देखेंगे आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी होगी। बस ये सब सेटिंग आप अपने मोबाइल में कीजिए, मैं दावे से बोल सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो कमेंट जरूर करना कि कौन सी सेटिंग से आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हुई है।